तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद होगी आप सब ठीक होंगे। तो आज बना रहे हैं हम चिकन टिक्का। बहुत ही स्पेसी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आपसे शेयर करते हैं। साथ ही हमने चपाती बनाई है, तो चलें शुरू करते हैं बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 लेग पीस लिए हैं, इस तरीके से कट लगा लिए हैं पूरे, देख सकते हैं आप। और 2 चम्मच टिक्का मसाला लिया है, और लहसुन अदरक हरी मिर्च धनिया उसका पेस्ट बना लिया है, और हल्दी लाल मिर्च कूटी हुई लाल मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च नमक देख सकते हैं आप, और जीरा और धनिया पाउडर 2 चम्मच दही। तो ऐड करेंगे इसमें, और आधा नींबू लिया है, इस मसाले को मिक्स करेंगे, दही ऐड कर देंगे इसमें। मसाला भी ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाले को मिक्स कर लिया हमने। चिकन को मसाला लगाएंगे, इस तरीके से उठाएंगे और पूरा इसमें मसाला लगाएंगे। इस तरीके से मसाला लगा लेंगे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमने मसाला लगा लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तब तक हम अपनी चटनी तैयार करेंगे टमाटरों की और टिक्के के साथ। तो हम टिक्के के साथ जो मतलब बना रहे हैं वो बताएंगे आपको। इसमें आधा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जो हमने मसाला बनाया था उसके लिए, हरी मिर्च लहसुन अदरक और धनिया वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा
अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने दो टमाटर लिए हैं, इसको पीस लिया था, ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक, हल्दी और टिक्का मसाला हम इसे मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से हम पकाएंगे। तो धनिया और जीरा पाउडर कुटा हुआ है ऐड करेंगे। हम इसे थोड़ा कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो रहा है। हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे सूखने का, और इसे मिक्स कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है, रमान दिन इतना पानी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, टमाटर का सालन रेडी हो चुका है। तो निकाल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे तवा रख दिया और पतीली में 2 चम्मच खाने वाले ऑयल ऐड किए। गरम करेंगे और चिकन हम इसमें कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमने रख दिया। अब इसे कवर कर देंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, इसे सेटिंग करेंगे। इसको भी पलटी कर देंगे।
हमने पलटी कर दिए, इसको फिर से कवर करेंगे और इसके नीचे से तवा हटा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवा हटा दिया, देख सकते हैं। और ऐसे ही पकाएंगे इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको कवर हटा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्राई पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा घी लिया है, इसमें फ्राई करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको रख देंगे और कलर वाला ऑयल लिया है, थोड़ा सा ऑयल में मिक्स किया कलर। तो अब इस तरीके से लगा देंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास ब्रश नहीं है तो हम चम्मच से लगा रहे हैं। सारे को लगा लेंगे। अब इसे पलटी कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमने फ्राई कर लिया है। अब ऐसे ही दूसरे को ये ऐसे फ्राई करेंगे, इसे निकाल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं टिक्का बन के बिल्कुल रेडी है, हमने डिश आउट भी कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी बनाइएगा। और साथ ही हमने चपाती बनाई है तरीके से, और इमली की चटनी और दही वाली चटनी और टमाटर की चटनी जो हमने बनाई थी वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बना हुआ है सब खाना। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।